हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग भाई। बारिश ने दिया हुआ है कीड़ा, और नीचे पता ही इतना फिसला है ना, देखो अगर इस पर कोई फिसल गया ना ऐसे जाते सीधी। यहाँ देखो मौसम, ये देखो धुंध कैसी उठ रही है। अभी यहाँ पे धुंध नहीं है ना, उसके बाद इन्हें पूरा सफ़ेद हो जाएगा। और मैं जा रहा हूँ नीचे की ओर, तो भाई बारिश नहीं रुक रही है, कंटिन्यू लगी है बारिश ही। और अब ठंड भी हो रही धीरे धीरे। ये देखो फिर यार धुंध उठ रही है ऊपर की ओर अब, और हल्की हल्की बारिश लगी है। अगर आपको महसूस हो रहा है तो आपको पता लग रहा है कि बारिश हो रही है हल्की हल्की, तो कमेंट कर दो। अगर आपको पता लग रहा है कि बारिश हो रही है, अभी भी मैं बारिश में चला हूँ, ठीक है। यहाँ देखो कैसे बताऊँ, बारिश लगी है, ये देखो दिख रहा है, कैमरा ही ऊपर कर देता हूँ कहाँ दिखेगा, पर बारिश लगी है अभी, हल्की हल्की बारिश लगी है। और मैं निकला हूँ नीचे की ओर, सुबह के लगभग 9 बज चुके हैं, पर मैं उठ जल्दी जाता हूँ गाइस, पर सुबह सुबह आ नहीं पाता हूँ क्योंकि सुबह बड़ी तेज़ बारिश लगी थी, सुबह नहीं आ पाया। अभी भी बारिश लगी है तो अभी आया हूँ नीचे घूमने। देखो धुंध, देखो पार, अभी था मैं ऊपर, अभी आया हूँ मैं नीचे। और गाइस कुछ दिनों बाद एक चीज़ मंगाई है मैंने अपने लिए, तो वो दिखाऊंगा मैं आपको यूट्यूब पे, तो वो बड़ी तगड़ी चीज़ है, बताऊंगा मैं आपको जब उसकी वीडियो आएगी डायरेक्ट आप तक। अगर जो चीज़ मैंने मंगाई है वो मुझ तक पहुंच की तो ठीक है, वैसे तो मेरे को लग रहा था कि वो चीज़ पहुँचने नहीं वाली है, वो गायब भी होने वाली है, पर ठीक है अभी अगर पहुंच सकती वो चीज़ तो ठीक है, बढ़िया है, फिर मज़ा आ जाएगा, फिर आपको भी पता लग जाएगा कि मैं क्या मंगाने वाला हूँ। और बड़ी तगड़ी चीज़ है वो व्लॉगिंग के लिए, तो कमेंट कर देना भाई कि क्या चीज़ है व्लॉगिंग के लिए, मैं कौन सी चीज़ मंगा रहा हूँ वो चीज़ आप कमेंट कर दो, देखते हैं आपका कमेंट कैसा है। सही हुआ तो ठीक है, उसका मैं नाम लूँगा वीडियो में, जो बंदा सही गैस करेगा उसका कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन किया जाएगा, ओके। तो यहाँ देखो फिर नीचे, अब यहाँ पे पूरा पैक होने वाला है कुछ ही देर बाद, यहाँ पे धुंध ही धुंध पड़ने वाली है गाइस। तो बारिश तो आजकल ऐसी हो रही है ना, मतलब हर कुछ बारिश हो गई है यार, नेक्स्ट लेवल बारिश हो रही है। तो यहाँ देखो अपने अड्डे पे आ चुके हम सुबह सुबह, कई बार हम इस जगह आते हैं, ये है बावड़ी, बावड़ी के पास, और कई जगह जाते हैं हम, कई बार दूसरी जगह जाते हैं उस साइड को जहाँ पे 5G फुल चलता है, पर यहाँ पे नेटवर्क का कोई आता पता नहीं होता है भाई, इस जगह पे नेटवर्क आएगा कि नहीं आएगा कोई पता नहीं। और यहाँ देखो अब मैं आपको बारिश दिखा रहा हूँ ना, अगर आपको दिख रहा है ये देखो पानी कैसा है, सोहा मंगा रब मंगा। ये देखो गाइस धुंध देखो कैसे आ रही है, आएगी सीधा ही ऊपर तक जाएगी, देखना कुछ ही देर बाद देखना ऊपर, देखो कहाँ कहाँ से जा रही है, दिख रहा है आपको वो, देखो
पता लग रहा है कि मूव कर रही है, ऊपर को उठ रही है गाइस धुंध। ये देखना पूरा जंगल कवर हो जाएगा अभी। तो गाइस आजकल कल मैंने एक वीडियो डाली थी ऐसे ही, जिसमें मैं बोल रहा था कि कुछ लोग घुस चुके हैं हिमाचल में, और वो पता नहीं कौन लोग हैं, उनकी आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ भी एडिटिंग है उसमें, कुछ कुछ ऐसा पंगा है ऐसा सुनने में आ रहा है। और आप लोग कमेंट कर दो कि क्या ये सच है कि झूठ है, बच्चों को उठा रहे हैं ऐसा कुछ सुना है मैंने। हम बाकी पता नहीं ये चीज़ सच है कि नहीं है, बता देना। और रेडी रहना उस वीडियो के लिए जो मैं चीज़ मंगाने वाला हूँ। अगर आप भी कोई बंदा, आप में से कोई बंदा व्लॉगर है, छोटा मोटा यूट्यूबर मेरी तरह, जिसके आते हैं सिर्फ 20 या 30 व्यूज़ नॉर्मल व्लॉग पे, 30 या 40 व्यूज़, इससे ज़्यादा नहीं जाते हैं, तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्या पता आपके यूट्यूब पे व्यूज़ पड़े हैं। अगर आपको यूट्यूब पे व्यूज़ बढ़ाने हैं तो उस वीडियो को देखिए, क्योंकि वो जो मैं चीज़ मंगा रहा हूँ व्लॉगिंग के लिए बहुत सही है, उससे आपके क्वालिटी में भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, वीडियो की क्वालिटी में जो आप वीडियो बनाओगे। तो उसकी वीडियो मैं डालूंगा यूट्यूब पे कुछ दिनों बाद, जब वो प्रोडक्ट आ जाएगा। अभी मेरे पास पहुंचा नहीं है क्योंकि रामपुर भी नहीं जा पा रहा हूँ, और रामपुर जाना था मैंने, उस सामान को लाने पर जा नहीं पा रहा हूँ। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा वो चीज़। और गाइज बने रहिए मेरे साथ आप इस चैनल पे, आपके लिए डेली व्लॉग लाने की कोशिश करूँगा, साइड वाइज, अपना साइड वाइज तो क्या मतलब, साथ साथ में चला हुआ है थोड़ा बहुत अपना काम भी किसी चीज़ का, तो वो अगर वो हो गया वो भी मैं आपको बता दूंगा। मतलब फुल टाइम तो यूट्यूब को कहाँ ही दे पा रहा हूँ मैं, ऐसा सोच लो कि यूट्यूब को पार्ट टाइम ही दे रहा हूँ, फुल टाइम थोड़ा मुश्किल है अभी, फुल टाइम के लिए मुश्किल है यार गाइस। जिस हिसाब से लोगों के व्यूज़ डाउन हो रहे हैं ना यूट्यूब पे, आप मनोज दे का देख लो, मनोज दे ने अभी खुद वीडियो डाली थी कि मेरे भी यूट्यूब पे व्यूज़ कम हो रहे, पर ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत कम हो रहे हैं, जिससे टेक्निकल गुरुजी को देख लो, इतना बड़ा चैनल है, बहुत व्यूज़ डाउन हुए हैं। और मैं एक और बंदे का यूट्यूब चैनल देखता हूँ, टेक्निकल योगी, हाँ टेक्निकल योगी के भी ये व्यूज़ डाउन हुए हैं। उनकी मैं वीडियोस बल्कि देखता हूँ, क्योंकि वो यूट्यूब के लिए बहुत कुछ बताते हैं कि कैसे आपको ग्रो करना चाहिए। तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि मेरे खुद यूट्यूब पे चैनल, यूट्यूब चैनल पे व्यूज़ डाउन हो चुके हैं। तो भाई अब दिक्कत तो पता नहीं क्या है, अब यही हो सकता है कि यूट्यूब पे इतने सारे न्यू क्रिएटर आ चुके हो, देखना कम कर रहे हैं वीडियोस, मतलब शायद किसी एक बंदे को देखते होंगे, ज़्यादा बंदों को यूट्यूब पे देख नहीं रहे, क्योंकि यूट्यूब पे कंटेंट बहुत ज़्यादा आ गया है, बंदों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सारा कंटेंट देख पाए। पहले होता था कि एक दो वीडियो वायरल जाती थी, बंदे उसी को देखते रहते थे, अब बहुत लोगों की वीडियो आ रही है यार, बहुत ही ज़्यादा लोगों की। पार देखो भाई बातों में हम खो गए, यहाँ देखो धुंध कहाँ आ गई, यहाँ तक आ गई, क्या पता धुंध इधर भी आ जाए, ऊपर देखो पूरा पहाड़ कवर हो गया। आपको पहाड़ों से यूट्यूब के बारे में बताएंगे कि यूट्यूब पे कैसे ग्रो होना है, अगर आपको टिप्स चाहिए तो कमेंट कर देना। वैसे तो ये व्लॉगिंग चैनल है, अगर हमारा चैनल कभी आने वाले टाइम में बड़ा हुआ तो क्या पता इस पे भी कोई चैनल खोल दे। वैसे तो अपना गेमिंग चैनल है सेकंड, इसी चैनल पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा,
हिमाचली गेमर करके है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप गेमिंग भी करते हैं तो, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखो भाई यार, पहाड़ों से हम आपको बता रहे, बिल्कुल YouTube की जर्नी के 6 साल हो चुके हैं मुझे लगभग, और YouTube पे मैंने 1 रुपया भी नहीं कमाया है। तो भाई ये तो बहुत बुरा हाल है कि मैं बंदों को डीमोटिवेट नहीं करना चाहता कि मनी कुछ नहीं कमाया मैंने YouTube में, मैंने अभी तक कुछ नहीं कमाया। मैं आपको ये क्लियर कट बात बता देता हूँ, क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज ही नहीं हुआ अभी तक। मैंने आज तक YouTube से 1 रुपये नहीं कमाया है, ये मैं बोल रहा हूँ आपको वीडियो में, क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। अगर मोनेटाइज हो जाता तो शायद कुछ बन पाता। और आई नो कि आप टाइटल देख के यहाँ तक आए होंगे, तो मेरा जवाब आपको मिल गया होगा कि मैं यूट्यूब से कितना कमा रहा हूँ। भाई आप मेरे चैनल में जाके, अबाउट में जाके ईयर देख सकते हैं कि मैंने चैनल क्रिएट कब किया है। और 2017 में मैंने चैनल बना दिया था, और उसके बाद जैसे ही वीडियो डाली तो कुछ भी नहीं हुआ यार। मतलब एक दो दो कर वीडियो पे व्यूज़ आए हैं थोड़े, एक रामपुर शहर की है, एक पैंट की अनबॉक्सिंग की है, और एक आधी ग्रेट खली की वीडियो है। तो बस वही डाला है मैंने, उस पर थोड़े व्यूज़ आए हैं, बाकी तो उसके बाद कोई वीडियो वायरल ही नहीं हुई ढंग से। मतलब जिस पे 5K व्यूज़ आए, एक ग्रेट खली की वीडियो थी उस पे 5K व्यूज़ आए, उसके बाद किसी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आए भाई। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो नए ब्लॉगर हैं ना, अगर उनको यूट्यूब पे आना है ना, तो भाई इस टाइम पे आओगे ना, वीडियो वायरल नहीं हुई तो 1-2 महीने बाद वापस चल जाओगे आप। अगर इस टाइम पे आ रहे हो तो या तो आपको नेक्स्ट लेवल कंटेंट से जो आके सीधा वायरल हो जाए, हमारी तरह इनकी ब्लॉगिंग करो, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ स्टडी मटेरियल, कोई ऐसा कंटेंट बनाओ कि जिसमें आपको वॉच टाइम आए, तगड़े वाला वॉच टाइम, ठीक है। कोई ऐसा कंटेंट बनाओ, वैसे छोटा छोटा मोटा कंटेंट, शॉर्ट्स बनाओगे उससे क्या मिलेगा आपको, 1 मिलियन व्यूज पे आपको $100 भी नहीं मिलेगा, $101 मिल जाए पर मेरे को तो नहीं लगता उतना भी मिलता है शॉर्ट्स पे। और लॉन्ग वीडियो में पैसा मिलता है सिर्फ लॉन्ग वीडियोस में, वो आपको पता ही है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यूट्यूब पे आने के लिए यार, इस टाइम यूट्यूब करने के लिए आपको इतना पेशेंस चाहिए ना, कि मतलब 6 या 7 साल का पेशेंस तो चाहिए ही चाहिए आपको। अगर आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्टेंट नहीं है, अगर आप आम बंदे हैं मेरी तरह, क्योंकि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्टेंट नहीं है, सिंपल है, ब्लॉगिंग है, ठीक है। और जैसे किसी के पास अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्टेंट है तो वो बंदा हो सकता है वायरल, उसके चांसेस है बड़े। अगर आप भी सोच रहे हो यूट्यूब पर आने की, तो और आपके पास पेशेंस नहीं है कि मैं मतलब 1 साल टिक के काम कर लूँ, तो मत आना, यूट्यूब छोड़ दो, तुम्हारे लिए नहीं है भाई यूट्यूब, ठीक है। तो आज मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया यूट्यूब पे यार गाइस, वैसे मैं इतना तो बोल नहीं पाता हूँ, पूरी वीडियो में बोल ही दिया आज, क्योंकि अरे परे घूमने का टाइम नहीं है, आपको नई चीज़ें कहाँ से दिखाऊँ मैं, नई जगह कहाँ से, क्योंकि आजकल घर में ही पैक हूँ। तो मैं बस यही बोल रहा हूँ आपको, घर में पैक हो के मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, अगर घर से बाहर जाने का मौका मिला तो दिखाएंगे कुछ ज़बरदस्त कंटेंट। फ़िलहाल तो मैं आपको थोड़ी बहुत ट्रिक्स एंड टिप्स ही बताऊँगा यूट्यूब के लिए क्या करने चाहिए आपको। और अगर आप फिर भी इसके बावजूद भी आप आना चाहते हो तो ठीक है, अगर आगे तो भाई माइक ले लेना सबसे पहली बात, एक आधा ट्राईपॉड ले लेना, और मोबाइल ठीक है जो भी आपका है, काम चलाओ अभी उससे यूज़ करो। अगर ट्रैफिक आता है आपके यूट्यूब पे तो कोई दूसरा फ़ोन देखना। और यहाँ देखो जंग,
आ चुकी है पूरे में धुंध। यहाँ देखो यहाँ पे अभी धुंध नहीं थी, यहाँ पे आ चुकी है। पार देखो, पार पूरा पैक हो गया है। ठीक है, तो ये सब है सुबह सुबह देखने का नज़ारा। ठीक है, मैंने आपको सुबह नज़ारा भी दिखा दिया और यूट्यूब के बारे में, अपनी इनकम के बारे में बता दिया। माई इनकम यूट्यूब इनकम रिवील्ड। सो गाइस, तो आपको जवाब मिल चुका होगा कि मैं यूट्यूब से कितना कमाता हूँ। तो कैसी लगी आपको वीडियो, प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और इस वीडियो को उन बंदों को शेयर कीजिए। जो बंदा यूट्यूब पे आना चाहता है उस बंदे को एक बार ज़रूर बता दीजिए, जो बंदा पहाड़ से है और यूट्यूब पे आना चाहता है उस बंदे को एक बार ज़रूर बता देना इस वीडियो को, ताकि उसको पता लगे कि यूट्यूब पे क्या झोल चल रहा है। इतना पैसा नहीं आ रहा है जितना तुम सोच रहा है। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।